हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट की बात करेंगे आज हम और आज की शुरुआत इसी वीडियो से करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं प्रोडक्ट का नेम है, प्राइस है, यूनिट है और टोटल है। और यहां पर टोटल हमने किया इसका, तो यहां पर टोटल के लिए फॉर्मूला हमने यूज किया है, मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस को यूनिट से और दैट्स व्हाई आ गया है टोटल। ठीक है, तो ये एक हमारे पास डेटा मौजूद है और ये हेडिंग हमने कॉपी कर लिया है। आप हेडिंग कॉपी करिए ना करिए, ठीक है, वैसे कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा, मैंने करके रखा है। तो अब यहां पर फिल्टर फॉर्मूले का यूज करना, और ऐसा कोई फॉर्मूला एक्सेल में नहीं होता है। अगर आप इस पे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो यहां पे सेलेक्ट कीजिए और यहां फिल्टर दिया हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे तो ये फिल्टर लग जाएगा इस पे। तो फिर यहां पर जाकर के और फिर आप फिल्टर कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो फिल्टर हम एक्सेल में भी करते थे, तो फिर इस फिल्टर का फायदा क्या। यहां पर दोबारा क्लिक कर देता हूं, हटा देता हूं, हटा दिया। अब ये जो फिल्टर का फॉर्मूला है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो इज इक्वल टू का निशान लगाइए, जानते ही हैं कि एक्सेल में या गूगल शीट में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के निशान से शुरू होता है। और फिर यहां लिखेंगे एफ आई एल टी ई आर मीन्स फिल्टर, ठीक है, और टैब बटन प्रेस कर लीजिए, टैब। ठीक है, प्रेस करने के बाद यहां नीचे देखिए ये फिल्टर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा कर लेना है सेलेक्ट। बताइए, हेडिंग सेलेक्ट करने की जरूरत है, पहले से ही हमने ले रखा है तो हेडिंग तो सेलेक्ट करेंगे नहीं, तो ये डेटा हम कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे। अब कहेगा कि हमें क्या देखना, क्या है हमें देखना है, टोटल। ठीक है, टोटल देखना है हमें, तो टोटल देखने के लिए ये टोटल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ये, और हम चाहेंगे कि जो भी ग्रेटर देन है, मैं करता हूं लेस देन, लेस देन 400 किया हमने, लेस देन 400। ठीक है, तो ये इतना हमने कर दिया और हम चाहते हैं ना कि इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा डेटा आ जाए, मतलब जो भी 400 से कम हो वो आ जाए। तो 400 से कम कोई भी है क्या, देखिए एंटर प्रेस कीजिएगा, एन आ जाएगा क्योंकि इसको वैल्यू ही नहीं मिलेगी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जो 400 था इसको मैं कर देता हूं मिनिमम, देखिए इसमें 600 है, तो यहां पर अगर मैं 600 कर दूंगा या 650 कर दूंगा या 650 करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो एक डेटा हमारे पास आया है। ये देख सकते हैं, ये एक ही डेटा आया हुआ है। और यहां पर देख सकते हैं कि एक ही 600 से एक ही है, एक ही वैल्यू है। ये देखिए, ये वाली लाइन को हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए एक यही हमारे पास डेटा है। तो ये इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, कंडीशन चेंज करते हैं, तो फॉर्मूला तो यही हमने लगाया था। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ग्रेटर देन 100 कर देता हूं, अभी तो लेस देन 650 किया था। ठीक है, अब ग्रेटर देन 650 या ग्रेटर देन 100 कर देते हैं, अभी कॉमा देंगे और फिर हमें क्या पता करना है, टोटल ही तो पता करना है, तो ये टोटल कर लीजिए। और यहां पर मैं करता हूं ग्रेटर देन 1000, तो 1000 से जो भी ग्रेटर है वो पूरी वैल्यू यहां पे आ जाए। तो देखिए 1000 से जो भी ग्रेटर सेलिंग हुई है वो चीजें हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए यहां पर कम कौन सा है, देखिए यहां पे 600 का यहां पे सेलिंग हुई है, यहां पर ए दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं, समझने में ज्यादा आसानी होगी आपको। तो ये देखिए, ये दोनों खाली जो है अलग है, मतलब 1000 से कम है ये, और बाकी सब तो 1000 से ज्यादा ही है ना। अब देखिए इसी को मैं उल्टा कर देता हूं, ठीक है, अब लेस देन कर देता हूं, यहां पे लेस देन किया, ये देखिए ये लेस देन हो गया। तो लेस देन जैसे ही करके एंटर प्रेस करेंगे तो यही दोनों आ जाएगा, देखिए यही दोनों है जो 1000 से कम है। तो ये उल्टा इस तरह से करके, और फिल्टर तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्मूला है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं होता है, केवल गूगल शीट में ही होता है। तो उम्मीद करता हूं कि फिल्टर के इस फॉर्मूले से काम आपका आसान हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अभी मैं ऑफलाइन इसको यूज कर रहा हूँ, ये देखिए ये ऑफलाइन यूज कर रहा हूँ, तो आप ऑफलाइन भी गूगल शीट को यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।